subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाइल मैनेजर की एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि एंड्रॉयड 11 में हमें देखने को मिली है। अब देखो, मेरे पास एंड्रॉयड 11 का अपडेट काफ़ी ज़्यादा लेट आया, तो ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है। एंड ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी मतलब कि गेमर हैं वो मैनुअली गेम इंस्टॉल करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुकी है। अब आप एंड्रॉयड का फोल्डर यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, ये तो प्रॉब्लम है, बट इसको फिक्स कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। एंड्रॉयड के फोल्डर में जाओगे, डाटा का फोल्डर ओपन करने की कोशिश करोगे, यहां पर कोई भी कंटेंट शो नहीं होगा। ओवीवी का फोल्डर यहाँ पर ओपन करोगे, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। और गाइस, ये वाला मतलब कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो हुआ है एंड्रॉयड 11 आने की वजह से। जिनको एंड्रॉयड 11 का अपडेट पहले मिल चुका था उनके पास प्रॉब्लम पहले से ये आ रही होगी, ठीक है। बट इसके बाद ये इसका सोल्यूशन मतलब कि मिल चुका है मुझे, तो वो फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फाइल मतलब कि यहाँ पर व्यू फाइल पर क्लिक कर भी देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि कोई भी फोल्डर को आप कॉपी नहीं कर सकते, मतलब कि एंड्रॉयड के डाटा या फिर ओवीवी फोल्डर में तुम कॉपी नहीं कर सकते कुछ भी चीज़, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर कॉपी करके दिखाता हूँ, अपने डिवाइस मेमोरी में जाता हूँ, एंड्रॉयड के फोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पर डाटा और ओवीवी का फोल्डर बिल्कुल हाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी कंटेंट उसमें डाल नहीं सकते, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को ये जो मैनुअली गेम इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पर डाटा मूव नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। तो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और इसको फिक्स कैसे करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब कि हर एक बंदा इसको ईजिली फिक्स कर लेगा, एंड आप आराम से अपनी गेम वगैरह को इंस्टॉल कर पाओगे, मतलब कि जो भी आपका डाटा वगैरह रहता है, ठीक है, जो भी डाटा आप वगैरह आप मैनुअली मतलब कि ऐड करते हो या फिर वो भी फाइल हो गई जो भी गेमों की वहाँ पर ऐड करते हो, वो ईजिली मूव कर पाओगे इधर से उधर, ठीक है, और आप डाटा डिलीट भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, बट हाँ, यहाँ पर सोल्यूशन इसका मिल चुका है। तो फिक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा दी कहाँ पर आ रही है, अब बताता हूँ इसको फिक्स कैसे करना है। आपने प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर सर्च करना है जेड आर्चीवर। जैसे सर्च करूँगा आपको एक फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगा, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, या फिर लिंक के जरिए भी जा सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे सारी परमिशन मतलब कि अलाउ कर देनी है। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ से जब आप एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन करोगे या फिर डाटा या फिर ओवीवी के फोल्डर में जाओगे, तो भाई साहब ये भी मतलब कि इसको भी परमिशन चाहिए होगी, तभी ये डाटा आपका यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है फाइल मैनेजर आपका डाटा यहाँ पर शो करा सकता है। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि फाइल मैनेजर रहता है डिवाइस का, वो भले ही डिसेबल रहे बट यहाँ से तुम एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करोगे, एंड ओके कर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करनी पड़ेंगी, जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अलाउ नहीं करते हो तो यहाँ से भी आपका डाटा डिसेबल हो जाएगा, डाटा यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब कोई भी मैनुअल गेम यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी अगर आप ये वाली परमिशन यहाँ पर अलाउ नहीं करते हो, ठीक है। बैक जाना है और अगेन आपने एंड्रॉयड या फिर ओवीवी का फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लेना है, मतलब कि डाटा या फिर ओवीवी का फोल्डर कोई भी ओपन करने की कोशिश करनी है, एंड फिर से ओके पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपका सारा डाटा आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ पर लिखा होगा यूज़ दिस फोल्डर, बस एक बार इस पर क्लिक कर देना है, एंड परमिशन ग्रांट कर देनी है, मतलब कि अलाउ कर देनी है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपका सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि वो भी फोल्डर भी आ जाएगा, एंड डाटा में जितना भी डाटा पड़ा होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी गेम आपने इंस्टॉल कर रखी है मैनुअली उनका डाटा यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो या फिर मूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो गेमर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जेड अचीवर फाइल मैनेजर काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर है। मैं इसको काफ़ी दिनों पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिनों क्या काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर निकल कर आता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि जब भी आप कोई भी मैनुअली गेम इंस्टॉल करते हो तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये वाला फाइल मैनेजर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस फाइल मैनेजर को मतलब कि परमानेंट यूज़ करो, एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। मतलब कि एकदम ईजी इंटरफेस रहेगा, सब कुछ कॉपी पेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। कोई भी गेम इंस्टॉल करोगे एकदम फटाक से इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब कि ओवीवी और डाटा का फोल्डर यहाँ पर मतलब कि एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सारे फोल्डर के यहाँ पर आइकन आएंगे, आपको पता लग जाएगा किसका डाटा कहाँ पर पेस्ट करना है, कैसे गेम को इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो कि जो लोग मैन्युअली गेम इंस्टॉल करते हैं तो उनके लिए तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो दैट इज आई होप आप लोग वीडियो सुन जाएगी, वीडियो सुनने तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। सो आज के लिए उतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। It's the first time of today.
day.